नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है सुबह की कुछ ताजा तरीन खबरों की। आज से राष्ट्रीय टोल प्लाजा पर फास्टैग काम करना शुरू कर देगा और अगर आपके गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा हुआ है तो आपको 2 गुना टोल देना होगा, क्योंकि परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने आज से टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। मदर डेयरी ने दूध के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया है, जहां मदर डेयरी के दूध की कीमतों में यह बढ़ोतरी आज सुबह से ही लागू हो गई है। गौरतलब है कि मदर डेयरी दिल्ली NCR के क्षेत्र में हर रोज करीब 30 लाख लीटर दूध सप्लाई करता है, जिसमें 8 लाख लीटर दूध गाय का शामिल है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरे वनडे मैच की सीरीज का पहला मैच आज चेन्नई के MA स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसको लेकर क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह का माहौल है। एक ओर जहां T20 सीरीज को जीतकर भारत के हौसले बुलंद हैं, वहीं वेस्टइंडीज भी आज भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा देने के इरादे से मैदान में उतरेगा। UIDAI ने आधार ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया है, जहां इस नए ऐप का नाम एम आधार दिया गया है और इसे एंड्रॉयड या iOS यूजर आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 15 सीटों पर मतदान होंगे, जिसके लिए शनिवार को प्रचार अभियान समाप्त हो गया और अब इन सीटों पर प्रत्याशी गुप्त कैंपेन कर रहे हैं। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा चुनाव का 3 चरण संपन्न हो गया है, चौथा चरण कल होने वाला है। भारत में 5G के चर्चे जोरों पर हैं और केंद्र की मोदी सरकार भी लगातार इस टेक्नोलॉजी को भारत में लाने की कोशिश कर रही है। इस कड़ी में केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत में सभी लोगों को आसानी से 5G सेवा मुहैया कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलर मित्तल ने SR स्टील का अधिग्रहण पूरा करने के लिए 42,000 करोड़ रुपए की भुगतान प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, जहां सोमवार तक यह भुगतान हो जाने की बात सामने आ रही है। गौरतलब है कि SR स्टील दिवालिया हो चुकी है। नए साल से रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो सकता है। दरअसल इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्याज की बढ़ती कीमतों के चलते रेस्टोरेंट कई डिशेज के दाम बढ़ाने की तैयारी में है। 60 और 70 के दशक में कई हिट और शानदार गाने देने वाले उषा उत्थुप और बप्पी दा एक बार फिर से अपनी आवाज के जादू से लोगों का मन मोहने के लिए तैयार हैं। दरअसल 3 दशक बाद दोनों एक बार फिर से साथ में गाना गा रही हैं और ये दोनों फिल्म सब कुशल मंगल में अपना आवाज देने वाले हैं। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स विवरणी और वित्तीय रिकॉर्ड जारी करने संबंधी मामलों की अगले साल सुनवाई करेगा। वहीं इन मामले में ट्रंप ने अपनी कर विवरणी और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड को लोगों तक पहुंचाने से रोकने की मांग की है। आज से NHAI के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिए भुगतान की सुविधा शुरू होने जा रही है। वहीं इसको लेकर सरकार ने एक यूटर्न लेते हुए कहा कि देश के कम से कम 75% टोल लेन पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से टोल कलेक्शन लिया जाएगा, जबकि इससे पहले 100% टोल प्लाजा पे फास्टैग लागू करने की बात कही जा रही थी। सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला को अभी राहत नहीं मिलेगी और उन्हें 3 महीने तक के लिए और प्रशासनिक देखरेख में रखा जाएगा। गौरतलब है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत फारूक अब्दुल्ला और पूर्व CM उमर अब्दुल्ला सहित महबूबा मुफ्ती भी फिलहाल पुलिस की देखरेख में है। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए सावरकर और गांधी वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि राहुल की बातों में महापुरुषों की जानकारी का अभाव बोलता है कि उनको इतिहास की जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने कहा था कि BJP मुझसे माफी मंगवाना चाहते हैं, पर मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं राहुल गांधी है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से सावरकर पर अंग्रेजों से माफी मांगने की बात कहती आ रही है। वरिष्ठ IPS अधिकारी अशोक खेमका ने अपने 53वें तबादले से परेशान होकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि दब्बू अधिकारी तो फलते फूलते हैं, जबकि ईमानदार को मामूली भूमिकाएं दी जाती है। आपको बता दें कि वर्ष 2091 बैच के अधिकारी अशोक खेमका ने CM मनोहर लाल खट्टर से उन्हें PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने देने की अनुमति मांगी है।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कल कांग्रेस पार्टी द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित भारत बचाओ रैली को संबोधित करते हुए और केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि अब यह साबित हो गया है कि 6 साल पहले किए गए वादे झूठे थे। इसके साथ ही उन्होंने रैली में आए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और कांग्रेसी समर्थकों से कहा कि हमारा फर्ज बनता है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करें ताकि हम देश को सही मायने में आगे ले जा सकें। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शनिवार को कहा कि उन्होंने 1731 कच्ची कॉलोनियों की परिसीमित सीमाओं के भीतर भूमि की कार्रवाई वापस लेने के निर्देश जारी किए हैं। बैजल ने ट्वीट कर कहा है कि इन कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। भारतीय टेस्ट टीम में जगह पक्की कर चुके सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल का कहना है कि अगर रणनीति स्पष्ट है तो विभिन्न प्रारूपों के अनुरूप ढलना आसान होता है। गौरतलब है कि मयंक अग्रवाल फॉर्म में हैं और उन्हें सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के विकल्प के तौर पर वेस्टइंडीज के साथ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया था। राजस्थान के कोटावासी के लिए अच्छी खबर है। दरअसल कोटा में ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए 10 किलोमीटर तक का वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा रहा है जिस पर कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं होगा। इस मार्ग पर 2 अंडरपास और 1 रेलवे ओवरब्रिज भी बनाया जाएगा जिससे शहर के बड़े इलाके को ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलने की बात कही जा रही है। शिवसेना ने सावरकर और गांधी वाले बयान पर बिना किसी नाम लिए ट्वीट कर कहा है कि हम पंडित नेहरू और महात्मा गांधी को मानते हैं, आप सावरकर का अपमान ना करें, समझदार को इशारा काफी है। गौरतलब है राहुल गांधी ने सावरकर और गांधी वाले बयान की चर्चा कल से जोरों पर है। शिरोमणि अकाली दल के 99वें स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को लगातार तीसरी बार सर्वसम्मति से पार्टी अध्यक्ष चुना गया है। आपको बता दें कि सुखबीर इससे पहले भी 2 बार सर्वसम्मति से पार्टी अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार ने रेणुका बांध परियोजना के निर्माण की सभी प्रक्रिया औपचारिकताएं संबंधी दस्तावेज केंद्र सरकार को भेज दिए हैं। यह जानकारी सीएम जयराम ठाकुर ने रेणुका के विधायक विनय कुमार के लिखित प्रश्न के जवाब में दी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि परियोजना की स्वीकृति को लेकर केंद्र सरकार से संपर्क में है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार स्नोफॉल जारी है जिस कारण कई गांवों के बिजली भी कट गए हैं और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 43,219 करोड़ रुपए की लागत से साल 2022 तक राजस्थान में बाड़मेर जिले के पचपदरा में बन रहे रिफाइनरी का काम तय समय पर पूरा होना मुश्किल नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 2 साल पहले हुए रिफाइनरी का शुभारंभ के बावजूद अब तक मात्र 5% काम ही पूरा हो सका है। कांग्रेसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कल लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं 30 साल तक भाजपा में रहा, मेरा परिवार भाजपा में रहा, यहां तक कि मेरा पालन पोषण भाजपा में हुआ, लेकिन जब बात सिद्धांतों की आई तो मुझसे रहा नहीं गया। गौरतलब है कि शत्रुघ्न सिन्हा आजकल कांग्रेस में हैं। बिहार के पटना से हमारे संवाददाता विश्वजीत कुमार बता रहे हैं कि शुक्रवार को पटना में विकासशील इंसान पार्टी ने घोषणा किया कि वो पार्टी के टिकट बंटवारे में अति पिछड़ा और SC/ST को 50% आरक्षण देंगे। यूपी के महुआ से हमारे संवाददाता परवीन कुमार बता रहे हैं कि कुलपहार महुआ विकास खंड जैतपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत रावतपुरा खुर्द में जिला प्रशासन द्वारा गांव को स्वच्छ रखने के लिए एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की गई, परंतु ग्राम प्रधान व विकास खंड जैतपुर के अधिकारियों व कर्मचारियों की ढुलमुल रवैया के कारण गांव में सफाई का हाल बुरा हो रहा है। जगह जगह नालियों का पानी सड़क पर बह रहा है जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से हमारे संवाददाता सूरज राजपूत बता रहे हैं कि छतरपुर के नहर हरपालपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने यूरिया की कमी को लेकर ऐतराज जताते हुए राज्य के सीएम कमलनाथ सरकार को घेरते हुए खेतों में प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र परिहार ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की समस्या दूर करने में फेल रही है। यूपी के महुआ से हमारे संवाददाता परवीन कुमार बता रहे हैं कि महुआ पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है जिसके तहत खन्ना थाना प्रभारी अशोक सिंह को पनवारी थाने की कमान सौंपी गई है। वहीं सुनील शुक्ला को खन्ना का प्रभारी बनाया गया है।
यूपी के महुआ से हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार बता रहे हैं कि महुआ के ग्राम अजनर में संचालित संत श्री सुखानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा और संस्कार विषय को लेकर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा रत्न से सम्मानित संतोष गंगेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यूपी के महुआ से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र तिवारी बता रहे हैं कि जैतपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम बसरिया के अमित नायक को वंदे मातरम मंच में निरंतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय सचिव युवा सेना बनाने की घोषणा की गई। तो ये थी सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।